उज़बिल्लाहिमिश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास की 2021 की न्यू जो आपके पास पेयरिंग स्कीम है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 9th क्लास हमारे पास फिजिक्स की, तो इसके लिए जो आपके पास पैरा यहाँ पर हमारे पास पोर्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव का है। इसमें से ऑब्जेक्टिव आपकी फ़िज़िक्स की 12 नंबर की आएगी, जो कि 12 इसमें एमसीक्यूज होंगे और एक एक एमसीक्यूज आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 7 और 9 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और दो दो इसमें एमसीक्यूज आपके चैप्टर नंबर हमारे पास 2, 5 और 8, इनमें से हर एक में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, तो ये टोटल 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव की बारी आती है, तो सब्जेक्टिव में आपके पास यहाँ पर सेक्शन होते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो कि आपके पास शॉर्ट के होते हैं, तो शॉर्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें हमारे पास चैप्टर इंक्लूड हैं, वो हमारे पास 1, 2 और चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है। चैप्टर नंबर आपके पास यहाँ पे 1 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट आएंगे। तो इस तरह से 8 शॉर्ट आएंगे, जिनमें से 5 शॉर्ट आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, तो 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे शॉर्ट, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट आएंगे। तो इस तरह से 8 शॉर्ट में से आपने 5 शॉर्ट यहाँ पे भी अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 3 आएंगे शॉर्ट, चैप्टर नंबर 8 में से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट आएंगे। तो इस तरह से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके पास 10 नंबर के होंगे। यहाँ पे हमारे पास 30 आपके पास मार्क्स के सब्जेक्टिव के जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 9 नंबर का होगा, तो ये 18 नंबर के आपके लॉन्ग आएंगे। जो कि आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, जो कि आपके पास थ्योरी भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर इसमें हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो चैप्टर नंबर हमारे पास 2 में सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, और उसके बाद अगर आपका लॉन्ग आता है तो वो हरकत की 3 इक्वेशनें आती हैं, जबकि चैप्टर नंबर यहाँ पे हमारे पास 3 में से आपका इम्पोर्टेड लॉन्ग ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 2 में से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है और चैप्टर नंबर आपके पास 3 में से आपका लॉन्ग आएगा, तो इस हवाले से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 इसमें से आपके पास यहाँ पर हमारे पास थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 4 और 5 में से इस चैप्टर नंबर 4 और 6 में से आपका न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि 5 में से आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस बार। तो चैप्टर नंबर इसमें 4 और 6 को आप न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर करें अच्छी तरह से। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर नंबर 4 और इसमें चैप्टर नंबर 6 में से किसी एक में से न्यूमेरिकल भी आ जाए और आपका लॉन्ग भी आ जाए, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 8 में से आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो इसमें आपके 18 नंबर के लॉन्ग आएंगे, जो कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये चैप्टर अच्छी तरह से हमारे पास प्रिपेयर करते हैं विद न्यूमेरिकल्स, तो आपके टोटल मार्क्स आ सकते हैं 60, क्योंकि आपके पास 12 नंबर के सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर के शॉर्ट होंगे और 18 नंबर के आपके लॉन्ग होंगे, तो टोटल जो होगा आपका 60 नंबर का ये पेपर होगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की भी पेयरिंग यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप